कैप्टेंसी के लिए घर वाले ये क्या कर बैठे। शो में बचा कंटेस्टेंट्स के लिए कुकड़ू को अलार्म। आज के एपिसोड में हमने देखा कि बिग बॉस सभी कंटेस्टेंट्स के लिए कुकड़ू को अलार्म बजाते हैं। वहीं निमृत को बताते हैं कि अब उनके हाथों से कैप्टेंसी जा चुकी है, क्योंकि निमृत ने जो चॉकलेट सिर्फ कैप्टन के लिए रखी गई थी उन्होंने उन सबको सभी कंटेस्टेंट्स के बीच में बांटा है। बिग बॉस ने कहा कि आप उन्हें ऐसे बांट रही हैं जैसे कि आपका बर्थडे हो। वेल एपिसोड में हमने देखा कि बिग बॉस पूरे घर का टूर भी कराते हैं और निमृत से पूछते हैं कि जब उन्हें कैप्टेंसी मिली थी तो क्या घर का हाल ऐसा ही था। वेल हमने आगे देखा कि बिग बॉस ने फिर से कैप्टेंसी टास्क कराया, जिसमें बिग बॉस ने कहा कि पूरी अपडेट होने के बाद जैसे ही बजर बजेगा जो भी दो कंटेस्टेंट सबसे पहले जाकर बेल को बजा देंगे उनके बीच में होगा कैप्टेंसी टास्क। पर इस बार कैप्टेंसी टास्क में एक छोटा सा चेंज हमें देखने को मिला। बिग बॉस ने घर की सारी चीज़ों को हटाकर कंटेस्टेंट से अपने पर्सनल सामान को बकेट में रखने को कहा। वेल जैसे ही बजर बजा तो हमने देखा कि सबसे पहले गौतम और फिर शिव ने जाकर बेल बजाया, जिसके बाद दोनों ही कंटेस्टेंट्स के बीच में होता है कैप्टेंसी टास्क। वही बिग बॉस ने निमृत को इस कैप्टेंसी टास्क का दावेदार भी बनाया, जिसके बाद हमने देखा सभी घर वाले अपने पर्सनल चीजों को टास्क के लिए लेकर आ जाते। वहीं बिग बॉस गौतम को माइक ना पहनने की वजह से फटकार भी लगाते हैं। वेल एपिसोड में हमने आगे देखा कि निमृत एक बार में एक ही आइटम बकेट में डालने की बात कहती है, पर प्रियंका निमृत की बात को नहीं सुनती और नजरअंदाज करने के बाद अपना गेम चालू कर देती है। निमृत और प्रियंका के बीच में इस गेम में लाए हुए चेंजेस की वजह से काफी ज्यादा लड़ाई भी हमें देखने को मिलती है। वहीं शालीन का भी निमृत से झगड़ा हो जाता है। वेल ये देखना दिलचस्प होगा आखिर शिव और गौतम में से आखिर कौन बनेगा शो का नया कैप्टन। आप किस कंटेस्टेंट को कैप्टन बनते हुए देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। टीवी शोज की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।